मायापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। डांसर ने तोड़ा कांग्रेस का सपना। डांसर सपना चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में सफाई दी और कहा कि उनकी यूपी की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर से कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उनका कांग्रेस ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं है। सपना चौधरी ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायरल हुई उनकी तस्वीर काफी पुरानी है, मैं किसी भी पार्टी के लिए प्रचार करने नहीं जा रही हूँ। सपना ने कहा कि मेरी पुरानी तस्वीरें लाई गई हैं, मेरे नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट चलाया जा रहा है, मैं ट्विटर नहीं चलाती। बता दें कि शनिवार को ऐसी खबरें आई थी कि हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। फारूक शेख को पहली फिल्म के लिए 5 साल बाद मिले थे 750 रुपए। एक्टर फारूक शेख का जन्म गुजरात के अमरोली में 25 मार्च 1948 को हुआ था। फारूक ने मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उस दौरान वो पढ़ाई के साथ नाटकों और खेलकूद की गतिविधियों में जमकर भाग लेते थे। उन्होंने कॉलेज के दौरान भी अभिनय का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया। उनके एक्टिंग को देखकर उन्हें फिल्म गर्म हवा ऑफर हुई थी। फिल्म ऑफर देने के दौरान ये शर्त रखी गई थी कि उन्हें काम करने के लिए कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। फिल्म के रिलीज होने के 5 साल बाद फारूक को 750 रुपए मिले थे। फारूक शेख ने फिल्मों में काम करने के साथ टीवी के लिए काम किया था। उनका शो जीना इसी का नाम है काफी मशहूर हुआ था। शो में उन्होंने कई सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया था। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, उमराव जान, बाजार, कथा, चश्मे बद्दूर और क्लब 60 जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। 28 दिसंबर 2013 को दिल का दौरा पड़ने से फारूक शेख का निधन हो गया था। वरुण और आलिया ने लॉन्च किया कलंक का दूसरा गाना फर्स्ट क्लास। कुछ दिन पहले ही फिल्म कलंक का पहला गाना घर मोरे परदेसिया रिलीज हुआ था, जिसमें आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित की जुगलबंदी दिखी। अब हाल ही में इस फिल्म का दूसरा गाना फर्स्ट क्लास रिलीज हो गया है। फिल्म के गाने में वरुण धवन के साथ कियारा आडवाणी नजर आ रही हैं। मुंबई में इस गाने को लॉन्च किया गया जिसमें वरुण और आलिया शामिल हुए। इस सॉन्ग लॉन्च में वरुण और आलिया ब्लैक लुक में नजर आए। आलिया भट्ट के लुक की बात करें तो आलिया ब्लैक कुर्ते के साथ ब्लैक शरारा पहने हुए नजर आई, जिसमें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी की गई थी। वहीं वरुण धवन के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना, जिसके साथ ब्लैक कलर के शूज पहने। इस लुक में वरुण काफी हैंडसम नजर आए। सारे गावा पर लिटिल चैंप में विद्युत जामवाल ने दिखाया शानदार स्टंट। जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारे गावा पर लिटिल चैंप में अपनी फिल्म जंगली को प्रमोट करने पहुंचे विद्युत जामवाल, जहां उन्होंने बच्चों के परफॉर्मेंस को खूब इंजॉय किया। एक्शन के लिए जाने जाने वाले विद्युत ने यहां भी स्टंट को प्रदर्शित किया। उन्होंने 4 बोतलों पर पुशअप्स किए, उन्होंने चौथी बोतल को इस्तेमाल भी नहीं किया, मुश्किल से 3 बोतलों का उपयोग करके पुशअप्स किए। दर्शकों, प्रतियोगियों और जज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया पर उड़ाया दोस्तों का मजाक। कपिल शर्मा ने होली पर द कपिल शर्मा शो की पूरी टीम के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। इस दौरान सभी ने खूब गुलाल लगा रखे थे और मौज मस्ती के मूड में दिख रहे थे। टीवी के ज्यादा स्टार्स ने शूटिंग खत्म करने के बाद होली खेली। इसी के साथ कपिल ने अपने खास दोस्त चंदन प्रभाकर और राजीव ठाकुर की एक तस्वीर शेयर की है। इसके कैप्शन में कपिल ने लिखा है, दो भूखे चंदन और राजीव खाना खत्म होने के बाद भी प्लेट नहीं छोड़ रहे, भांग के साइड इफेक्ट्स। कपिल के इस ट्वीट के नीचे चंदन प्रभाकर ने रिप्लाई करते हुए लिखा, मैं जानता हूँ कि तुम ठाकुर के बारे में बात कर रहे हो, कोई बात नहीं, समझा दूंगा उसको। अब क्या करें, दोस्त है अपना, कुछ कह भी नहीं सकते। सुनील ग्रोवर ने इलेक्शन से पहले रखी ये बड़ी शर्त। सुनील ग्रोवर की फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं है। दरअसल सुनील ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राजनेताओं से एक अनोखी मांग की है। सुनील की ये मांग होली से जुड़ी है। सुनील ने अपने ट्वीट में लिखा, होली खत्म यार, होली 1 साल में 3 दिन होनी चाहिए, जो भी पार्टी ये वादा पूरा करेगी मेरा वोट उसी को। बता दें कि बीती 21 मार्च को देश भर में होली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। होली का रंग बिरंगा त्योहार देश में हर बार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिना खान को मिला बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड, जेनिफर चुनेंगी बेस्ट एक्ट्रेस। इंडियन टैली अवार्ड 20 मार्च को आयोजित किया गया, जिसमें आपके पसंदीदा सितारों ने कई अवार्ड जीते। जेनिफर विंगेट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बेपना के लिए मिला। कसौटी जिंदगी 2 के लिए हिना खान को बेस्ट नेगेटिव रोल का अवार्ड दिया गया। पार्थ एरिका को कसौटी जिंदगी 2 के लिए मोस्ट पॉपुलर जोड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नकुल मेहता को इश्कबाज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। दिव्यांका त्रिपाठी को बेस्ट एक्ट्रेस ज्यूरी और टीवी पर्सनालिटी का अवार्ड ये है मोहब्बतें के लिए दिया गया।
कोरवर्की वशिष्ठ को कुमकुम भाग्य के लिए अवार्ड दिया गया। ये बेस्ट सीरियल भी बना। शुभांगी आत्रे को अंगूरी भाभी के रोल के लिए सम्मानित किया गया। वेंकटेश की बेटी की शादी में पहुंचे सलमान खान। साउथ फिल्मों के मशहूर एक्टर लघुपति वेंकटेश की बेटी आश्रिता की शादी जयपुर में संपन्न हुई। आश्रिता ने बॉयफ्रेंड विनायक रेड्डी संग साथ फेरे लिए। इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री से भी तमाम लोगों ने शिरकत की। सलमान खान भी इस शादी में पहुंचे। सलमान खान और लघुपति वेंकटेश काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों स्पेशल बॉन्डिंग शेयर करते हैं। सलमान खान ने लघुपति की फैमिली के साथ पोज भी दिए। शादी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिना काक के साथ पोज देते हुए सलमान खान। बिना काक सलमान खान के फिल्मों में उनकी माँ का रोल प्ले कर चुकी हैं। आमिर खान आईपीएल में बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस साल आईपीएल मैचों के सीधे प्रसारण के दौरान एक और नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और ये रिकॉर्ड कोई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बल्कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान बनाने जा रहे हैं। आमिर इस साल आईपीएल के हीरो भी बनने जा रहे हैं। आमिर खान इस सीजन के वह सबसे बड़े ब्रांड बनने जा रहे हैं। आमिर खान आईपीएल के हर मैच के ब्रेक के दौरान टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आएंगे। किसी सेलिब्रिटी का क्रिकेट मैच सीरीज के ब्रेक में इस तरह से आना एक नया विश्व रिकॉर्ड होगा। जानकारी के मुताबिक आमिर खान इस बार आईपीएल मैचों के दौरान कम से कम 3 बड़े ब्रांड्स का प्रमोशन करते दिखेंगे। आईपीएल के लीड स्पॉन्सर के अलावा एक डिजिटल भुगतान कंपनी ने भी आमिर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा एक लग्जरी शू ब्रांड का प्रमोशन भी आमिर इस आईपीएल सीजन से शुरू करने वाले हैं। ये भी पहली बार होगा कि आमिर खान एक समय में एक से अधिक ब्रांड का प्रचार करते दिखेंगे। आमिर अभी तक एक बार भी एक ही ब्रांड का प्रमोशन करते रहे हैं। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक इस आईपीएल आमिर के इन तीनों ब्रांड्स के विज्ञापन पर कंपनियों के करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। मायापुरी न्यूज़ में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।